नमस्कार, बाबा का नगरी में स्वागत बा। आज हम पहुंच गेल बानी दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ एक से एक लोग पहुंचल बाड़न और लोग बाबा के नगरी के बारे में कुछ कहल चाहता ना। इसे तो चंद्रयान के बारे में एगो भैया कुछ बतावत रहलन कि हम कहब मोदी जी बड़ा अच्छा काम कैले हवन, हम कुछ बोलल चाहत हैं, देखल चाहते कि भैया का कहल चाहत हवन चंद्रयान के लेके। अब हमारा चैनल में उजुड़ी हैं और उनकर सबसे पहले तो हम परिचय कराए कि भैया आप आयल कहाँ से बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा वाराणसी में। नमस्कार। बनारस पहुँचल बानी, हम चाहब कि दर्शक लोगन के पहले आप परिचय दे दी। हम नाम भोजपुरी में परिचय दी या हिंदी में दे दी? तू भोजपुरी में दे दा, ऐसे कि लोग भोजपुरी में देखल चाहत हूँ तू रहे वाला कहाँ का हुआ। हम यो जानल चाहत है या देश भी जानल चाहता कि भोजपुरी कहाँ कहाँ बोलल जाते है। या रहे वाला तो वैसे झारखंड के ही हम, लेकिन रहे नहीं गुड़गांव में। जैसन बोल रहा भोजपुरी तो हमारे मदर लैंग्वेज बा, मदर टंग बा। घर में हम लोग भोजपुरी में बात करें नहीं, फैमिली में तो हम गुड़गांव से आयल बनी। कैसा लगा था बनारस आज पहुँचल बाड़ा? आप बनारस में का तू देखला हा और चंद्रयान के लेके का कलचा बा? ऐसे कि आज चंद्रयान का मामला बड़ा गंभीर बा, पूरा देश खुशहाल बा, देश में पटाखा छुड़ाता तो कहीं केहूँ डांस कराता, पत्रकार लोग भी डांस कैला हन, टीवी पर देखले हुई बा। का कलचा बा चंद्रयान के लेके? चंद्रयान तो बहुत साइंटिफिक चीज़ बा, वो तो जहाँ तक राजनीतिक और पॉलिटिक्स होकर दूर रख के अगर इसरो के सफलता देखल जाए तो ज़्यादा बा ओकरा में। जैसे अमेरिका के नासा बा, जापान के जक्सा बा, सब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अपन अपन एजेंसी स्पेस एजेंसीज बा, वो काम कर रहा बा अपन अपन क्षेत्र में। सबसे पहले US, जैसे पता बा आपका नासा कहला ओकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बा, स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। अब नासा वाला पहले 1969 में अपन कोई भेले रहे अपन जे भी स्पेस क्राफ्ट हुआ वो चांद में। ओकर बाद इसरो भी बहुत ज़्यादा से, जैसे डॉक्टर सारा भाई रहन वो लोग भी बहुत प्रयास कर ले रहन। अभी इसरो बहुत चंद्रयान 1 भेजलक, फिर 2 भेजलक, 2 में थोड़ा सा पता भी जैसन सबके पता हुई कि चंद्रयान 2 में थोड़ा सा दिक्कत आ गई रहे, लैंडर जैसे विक्रम रहे ओकर। और इसी तरह से चंद्रयान 3 भी भेजल गई बार, अभी जो सफलता मिलल बा ओकर लिए बहुत बहुत। कैसा लगा था, कितना हासत आड़ा चंद्रयान के लेके हो? बहुत ज़्यादा, जितना टेक्नोलॉजी पर आज हम तू जुड़ल बनी, मीडिया पर टेक्नोलॉजी पर सब साइंटिफिक खेला ही बना, आध्यात्मिक तो जितना बहुत है ये बा। दिल से बताया, पूरा देश तो देखा था, कितना खुशवाड़ा है बात के लेके? बहुत ज़्यादा, एक तरह से कि टेक्नोलॉजी में जब कोई काम अपन देश जब इतना आगे बढ़ेला, चंद्रयान 3 जैसा सफलता देला, तो बहुत बहुत धन्यवाद बा इसरो के, इसरो के पूरा टीम के, है ना, जे भारत के नाम इतना बुलंद कर ले बा देश में जी। अब तू काशी में अला का देखला तो है, का यहाँ अच्छा लगल? मोदी जी का बड़ा इज्जत तारीफ बा कि साफ सफाई चला था पहले का अपेक्षा और अब की अपेक्षा में का अंतर बा? काशी आज से 2-3 साल पहले एक बार आए के सौभाग्य प्राप्त होकर रहे, लेकिन उस 2-3 साल पहले और अब, हालांकि तभी भी मोदी जी ने यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन से सांसद रहन और अभी भी है नहीं, बहुत बदलल बा काशी। साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा साफ सफाई बा, कॉरिडोर बना दिया गया बा जरा से स्पेस बढ़ गया बा, जगह बहुत ज़्यादा मिल जाता लोग के जाए में। अब वो 11-12 घंटा लाइन लगे वाला बात नहीं के, 1 घंटा में बहुत मैक्सिमम 2 घंटा में तू बाहर निकल जेबो, तरह कोई तरह की दिक्कत ना हो। और काशी बहुत साफ सुथरा बा, थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष भी बा काशी के जी, हाँ वो बताई जाए, लेकिन अभी ऑन कैमरा ऐसे बताए कि नहीं के, है ना। हाँ चलिए, आप और भी कुछ बातें हैं जो इन्हें बताना नहीं चाहते हैं और क्या कमी है वो तो आप खुद समझदार हैं। आशा और उम्मीद है कि मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे इस वाराणसी नगरी के लिए, यहाँ से सांसद भी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं, दहाड़ के बोलते हैं। भाइयों बहनों कैसा डायलॉग उनका लगता है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बोल रहा ना कि जब भी 2 शब्द बा, एक तो बा एजुकेशन, दूसरा बा लिटरेसी, इन दोनों के बीच जो धागा बा ना वो बहुत कमजोर बा। जैसे एक एग्जांपल देके अगर समझाइल जाए तो जे कोई बूढ़ा आदमी रहलन गांव घर के, वो पढ़ल ना रहलन, ओकरा कलम चलाएल ना आएला, साइन करेल ना आएला, लेकिन सोचे समझे के शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर तारा से ज़्यादा ओकरा में अच्छा मिली, तो एकरा कहला लिटरेसी। और एजुकेशन का बा जे लिख लेलक पढ़ लेलक वो एजुकेटेड बा, तो वही वाला बात बार कोई बात नहीं के। मोदी जी पढ़े में डिग्री उनके पास तो भले होए ना होए, हमरा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं के पता हुआ, लेकिन मोदी जी की जो हमारे व्यक्तिगत पक्ष बा, ऐसा ना कि हम सबके लिए बोलते नहीं, इट इज़ माई इंडिविजुअल व्यू, कि एक बार जब मोदी जी के देखा नहीं तो उनका व्यक्तित्व से यही झलका था कि लिटरेसी ज़्यादा बा, एजुकेशन कम। चलिए मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने चंद्रयान के बारे में 2 शब्द कहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं देश की धरोहर के बारे में,
देखते हैं देश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। झकझोर के कहेंगे कि ना आराम से कहेंगे? अरे काशीवासी हैं, झकझोर के कहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। इंद्रजीत वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। एक बात बताइए, बड़ा खुश हो रहे थे चंद्रयान की जब बात हम कर रहे थे, वो भाई से इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछ रहे थे, तो आपके अंदर भी जुनून पैदा हो गया क्या देश के प्रति? बिल्कुल, किस तरह का फीलिंग पैदा हुआ है, कितना आनंद? अरे गौरवान्वित करने का अवसर था, ये अवसर तो था नहीं हम लोगों के पास। आप बनारस से हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका कार्य कैसा लगा? उनका कार्य एकदम अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। उनके भक्त तो नहीं ना है? नहीं, भक्त नहीं, हम लोग किसी पार्टी वाले नहीं हैं। ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं। राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उस विषय पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें हो रही हैं चंद्रयान को लेकर के देश में, अभी यहाँ भी कई जगह पटाखे छूटे हैं, बहुत लोगों ने डांस भी किए हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा, और भी कुछ